65 करोड़ रुपए की ईडीबी बैंक के माध्यम से ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे लिए हो रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। ये मैं आपको बधाई भी देता हूँ इसके लिए और शुभकामनाएं भी देता हूँ। और साथ में आपने देखा होगा कि बाबा बालकनाथ मंदिर की जो गुफा है उसका जो जीर्णोद्धार किया गया उसके लिए मैं जो हमारे मंदिर अधिकारी हैं और हमारे तहसीलदार साहब हैं, टेम्पल अफसर हैं, इनको भी बधाई देना चाहूँगा। इन्होंने जो वहाँ पर एक व्यवस्था के चलते जो आने जाने का मार्ग और जो गुफा के दर्शन अच्छे से हो सके उसके लिए उन्होंने कदम उठाया। आज वहाँ पर श्रद्धालुओं को ज़्यादा समय ना लगे, आप भी गए होंगे, आपको भी अच्छा लगा होगा, तो ये एक बहुत बड़ा कदम मंदिर प्रशासन ने उठाया, उसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। तो साथ में आने वाले समय में और भी मंदिर के आसपास की जो हमारी स्थान है उनको कैसे विस्तृत रूप से अच्छा बनाया जा सके उसके लिए भी काम किया जा रहा है। साथ ही में एक रोपवे का भी बहुत जल्दी बाबा बालकनाथ जी के मंदिर के लिए प्रोजेक्ट जो है वो आने वाला है, आगामी वर्ष में शायद उसके ऊपर भी काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले समय में जो हमारा क्षेत्र है, क्योंकि बाबा बालकनाथ की नगरी जो है दूर दूर तक प्रसिद्ध है और बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ वर्ष में आते हैं, तो दिनों दिन इसकी आय भी बढ़ती जा रही है और पूरे क्षेत्र के लिए जहाँ हर्ष का विषय रहता है वहीं बाबा जी का जो है हर परिवार के ऊपर स्नेह और आशीर्वाद बना रहता है। आने वाले समय भी इसी प्रकार से बाबा जी का जो आशीर्वाद और स्नेह हम सब पर बना रहे इसकी मैं कामना करता हूँ। साथ ही में जो महिलाओं को वहाँ पर जो भीड़ लगती है मंदिर में उनके लिए अलग से एक रास्ता बनाया जा रहा है जिससे महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत ना हो और जो महिलाओं का जो दर्शन करने का स्थान है उसको भी थोड़ा ऊंचा किया जा रहा है ताकि महिलाओं को बाबा जी के सामने से अच्छे से दर्शन हो जाए। ये सारे काम जो है आने वाले समय में होंगे और भी जो हमारे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं चकमों के, इन्होंने एक बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है जो अभी जमीन जो है बाबा बालकनाथ ट्रस्ट की कॉलेज के नाम की है। उन दानी सज्जनों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि उन्होंने देर से ही चाहे लेकिन एक सही कदम उठाकर अपना जो योगदान दिया है उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। आने वाले समय में कॉलेज में भी हमारे जो स्थानीय बच्चे हैं उनको यहाँ पर नौकरियाँ मिले उसका हमने प्रावधान रखा है। जब भी हमारे स्कूल में या कॉलेजेस में जो नई भर्तियाँ होगी आने वाले समय में, तो विशेष रूप से जो हमारे स्थानीय बच्चे हैं शैक्षणिक क्षमता के आधार पर उनको वहाँ प्रतिनिधित्व दी जाएगी। तो ये मेरी आपसे कुछ बातें करनी थी। कुछ आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आवाज भी ठीक नहीं निकल रही है, ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुरेंद्र सिंह सुक्खू जी पूरी हिम्मत के साथ प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले वर्ष आपदा के कारण हमें बहुत नुकसान हुआ, पूरे प्रदेश को नुकसान हुआ और उस वजह से बहुत से काम हमारे जो है पिछड़ गए, लेकिन अब हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आने वाला जो ये हमारा वर्ष ये अच्छा व्यतीत हो और इसमें यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मैं समझता हूँ कि हम एक बार फिर से विकास की दृष्टि से नए आयाम को छुएंगे और अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। एक मैंने अपने जो परिवहन मंत्री हैं जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं उनसे आग्रह किया है कि देवसिंह से एक बस चंडीगढ़ के लिए चले और जैसे ही हमारे परिवहन विभाग में नई बसें आएंगी एक देवसिंह से यहाँ से सीधा बैठी होकर कीर्तपुर होकर चंडीगढ़ के लिए एक बस चलाएगी जिससे यहाँ पर श्रद्धालुओं को आने का भी मौका मिलेगा
और स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। ये सब चंद बातें मैं आपसे करना चाहता था, और जो भी इसके बाद आपके कार्यक्रम होंगे उनको भी करेंगे, और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा आप सभी का कि आपने किसी भी मरतबा मुझे अपनी सेवा करने का मौका दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।